बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं मरवा फैमिली व्लॉग, और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लें जी, बच्चों के लिए हो रहा है नाश्ता तैयार। जल्दी जल्दी से नाश्ता, रोटियाँ पका रही हूँ। साथ साथ मैंने, यानी कि ये देख लें, रोटी बेल ली, रोटी बोल के मैंने तवे पर डालने लगी हूँ। ये देखें जी, गोल गोल से रोटी और ये तवे पर गई, और साथ ही पराठे तैयार हो गए, साथ ही मैंने सलाद तैयार कर साफ़ कर दिया, साथ चाय बनाई, ये दाल डाली, और ये जिम शाम के खाने में मैं बनाने लगी मटर गोश्त। और मैं मटर गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। मटर गोश्त बनाने के लिए मैं चाहिए चिकन, मटर, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चा का पेस्ट, घी, दही और खुश मसाला जात में वही मेरे सादा से मसाले, मिर्च, दरदरा मिर्च, नमक, हल्दी और सूखा धनिया। तो चलो अब हम इसको पकाने की तैयारी शुरू करते हैं जी। इधर हमने कढ़ाई में गोश्त घी डाल लेना और इसको गर्म होने देना है। ये ना घी गर्म होना शुरू हो गया, अब इसमें शामिल कर देती हूँ चिकन। एक किलो चिकन है, फ्राई कर लेना लाइट गोल्डन से, ना गोल्डन ब्राउन कर लेना। अच्छी से गर्म होना तो फिर ये चिपकता नहीं है साथ। ये देखिए जी, अब हल्का हल्का लाइट का गोल्डन ब्राउन होने की हो रहा है। अब इसे हमने मजीद 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करना है। ये ना हमारा चिकन फ्राई होना शुरू हो गया, लाइट सा फ्राई किया, ज़्यादा नहीं फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई से पता चलते रह जाता है। इसको निकाल देते हैं। अभी भी गर्म है, अब इसमें मैंने शामिल कर देना है प्याज। प्याज का मैंने ना 2 प्याज है मैंने साइज में उनका पेस्ट बना लिया है। प्याज गर्म होता है फिर आप प्याज का ना कच्चा पर खत्म होना शुरू हो गया। ये 1 से 2 मिनट हो गए प्याज को। अब ये इसमें मैं अदरक, सब्ज मिर्ची और लहसुन इसका पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसका भी ना यार, दो अब इसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिए, 2 टमाटर थे मैंने साइज को, उनका भी मैंने पेस्ट बना दिया। अब इसको भी हल्का सा फ्राई की भून लेते हैं। 3 प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर थे ना, जब भून जाए तो इसमें साथ में खुश मसाले शामिल कर देने।
मसाले पे 1 से 2 मिनट तक ना अच्छी तरह से भून ली। मसाला अच्छी तरह से भून गया, अब ये इसमें जो फ्राई चिकन है ना ये शामिल कर दी। ये मटर है, ये साथ मटर सिद्धि कर लेनी है और ये 1 कप दही फिर फैल के डाल देनी। उसको भी डाल के ना 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि बल्कि 1 से 2 मिनट जब तक कि देने का पानी खुश्क ना हो जाए। अच्छी तरह भूनती फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त मारा ना अच्छी तरह से भून गया, ये देख मसाला हमारा अच्छी तरह से सारा घी छोड़ दिया। अब हमने ना मैं इसमें हल्दी थोड़ा पानी शामिल करने लगी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करें। ये मेरे पास 1 लीटर पानी वाला ये था, 1 लीटर का ये मैंने एक भर के डाल दिया, मगर ये मुझे थोड़ा लग रहा है इसके लिए क्योंकि इसलिए भी पकना भी है। ये मैं इसमें 1/2 लीटर और शामिल कर रही हूँ, इसको पकने देते हैं। जब ये तैयार पकता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। शोरबा बन के तैयार है, ये देखें। और ये 1 चम्मच गरम मसाले का वो मैं शामिल कर रही हूँ लास्ट में। ये देखिए जी मज़ेदार से मटर गोश्त तैयार किया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।